ये बहुत ही यमी बना है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके आराम से 3 से 4 महीने तक यूज कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिन सैयद, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मैंगो पिकल। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, आप इसे फ्रिज में 2-3 महीने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज्यादा भी ये रह सकता है अगर आपने थोड़ी सी केयर ली और उसे सही तरीके से बनाया तो। ये मैंने ऑलमोस्ट 1/2 kg ऑफ रॉ मैंगोज लिया है, जिसे मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो थोड़े लॉन्ग भी कट कर सकते हैं उसे, वो देखने में भी अच्छा लगता है। और इसे मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े से बिल्कुल ड्राई आउट कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे इस तरीके से कट किया है। मसालों में हमें लगेगा 3 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर, 3 टेबलस्पून भर के ही सॉल्ट लिया है मैंने, 1 टीस्पून हींग लिया है मैंने एसाफोएटिडा, 1 टीस्पून भर के हमने हल्दी लिया है इसमें, 1 कप ऑयल हमें लगेगा लिया है, 2 टेबलस्पून भर के राई है, 1 टेबलस्पून भर के सौंफ है और 1 टीस्पून मेथी है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू भी देता है और इससे अचार का टेस्ट बहुत ही निखरता है। तो अगर इसमें से कोई एक चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी आप ये अचार को अच्छी तरीके से बना सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं होगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज उस पर क्लिक कर दे और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट मैंगो पिकल। सारे जो सूखे मसाले हैं इन्हें हम रोस्ट कर लेते हैं। सौंफ 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून राई और 1 टीस्पून मेथी, ये सब हम सिर्फ 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए इसे सिर्फ हल्का हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें से जो भी मॉइस्चर है वो ड्राई आउट हो जाए बिल्कुल। इसी पैन में हम सॉल्ट को रोस्ट कर लेंगे। सॉल्ट को रोस्ट करने का मेरा मकसद ये है कि जब आप इसे थोड़ा सा रोस्ट करें तो इसमें जो भी मॉइस्चर है वो ड्राई आउट हो जाता है और अचार थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग प्रिजर्व हो जाता है। इसीलिए ये स्टेप स्किप ना करें, बस इसे थोड़ा सा हल्का सा हमें रोस्ट करना है कि इसमें से मॉइस्चर निकल जाए ताकि अचार को थोड़ा देर और आप प्रिजर्व कर सकें। इसी पैन में अब हम 1 कप ऑयल जो मैंने लिया था उसे मैं ऐड कर रही हूं और इसे अच्छा स्मोकिंग पॉइंट तक हमें हीट करना है। यहां जब तक हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो रहा है तब तक हमने ये जो मसालों को ड्राई रोस्ट किया था, सौंफ, राई और मेथी, इसको हम मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल भी हमारा अच्छी तरह से स्मोकिंग पॉइंट तक हीट हो चुका है, इसको ऑफ कर देते हैं और हमारा ये मसाला पाउडर भी रेडी है। इसको मैंने कोर्स ग्राइंड कर लिया है जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए पर जो हमारा ऑयल है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हमने जो मसाले रखे हैं, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी एंड हींग, ये भी हम सब इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो मसाला हमने पीस लिया था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। कैरी को मैं ट्रांसफर कर देती हूं इस बाउल में ताकि मुझे इजी पड़े उसे। ये जो मसाला मैंने तैयार किया है ये सारा ही मैं इसमें ऐड कर देती हूं। यहां पर एक टिप देती चलूं कि सूखे मसालों को आप बहुत ज्यादा गर्म तेल में ना डालें वरना मसाले जल सकते हैं और अचार का टेस्ट खराब हो सकता है। जब भी आप उसे डालें तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लें, सारे मसाले उसमें डालें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उससे एक थोड़ा सा रोस्टेड फ्लेवर आ जाता है, मसाले कच्चे नहीं रहेंगे। और फिर आप उससे अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें आप कैरी मिक्स कर लें। आप इसे कोई साफ बर्नी में रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक या हफ्ते भर ये बाहर अच्छी तरह से रह सकता है। इसे खोलकर रोज 1-2 बार मिला ले ताकि जो मसाला जो देखे जैसे ये नीचे बैठ चुका है ये इस तरह से न रहे और अच्छी तरह से इसको मिक्स दे दें एक बार। जो भी स्पून आप यूज करें, जो भी कंटेनर्स आप यूज करें, जो भी मिक्सर ग्राइंडर का जार हमने यूज किया था ग्राइंड करने के लिए, वो सारा अच्छी तरह से धोकर सुखा ले ताकि उसमें कोई भी वाटर कंटेंट ना रहे, अदरवाइज अचार खराब होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप इस तरह से अचार बनाएंगे तो ये 3 महीने से भी ज्यादा टिकेगा और इसे ये बाहर भी रह सकता है महीने भर, लेकिन एक सेफ प्रिकॉशन के लिए बेटर है कि आप इसे फ्रिज में रख दें। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह का मैंने एक बॉटल लिया है, ये जैम का बॉटल है। इसे मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी से स्टरलाइज करके इसको ओवन में माइक्रोवेव कर लिया था 1-2 मिनट के लिए। ये हीट ड्राइड होना चाहिए, अगर ये नहीं आप करना चाहते तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल हीट ड्राइड होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहे, कोई भी मॉइस्चर नहीं रहे, तो आपका अचार लंबा टिक सकता है। तो अब हम ये सारे अचार को इसमें ऐड कर देते हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपीज को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक गुड केयर. बाय.